आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो समझिए कि वर्धन काल या पुष्यभूति वंश, ठीक, पुष्यभूति वंश स्टार्ट होने वाली है या हर्षवर्धन के नाम से ज़्यादा एक प्रसिद्ध है। तो इसमें देखिए एक कब स्टार्ट होती है, ठीक, गुप्त काल के बाद जो गैप होता है इतिहास का, वो समझिए कि गुप्त काल के बाद कोई महान वंश का उत्तर भारत में शुरू होता है तो वो है पुष्यभूति वंश, ठीक, पुष्यभूति वंश शुरू होता है। तो पुष्यभूति वंश को पढ़ने के लिए, पुष्यभूति वंश को पढ़ने के जैसे अब तक हम बताए हैं पुष्यभूति के साक्ष्य क्या हैं, क्या इसमें पढ़ना है, तो आप पहले इसके बारे में एक बार जान लीजिए। पुष्यभूति या हर्षवर्धन वंश, जो एकमात्र एक राजा थे हर्षवर्धन, हर्ष के बारे में ही हमको पढ़ना है, ठीक, और बाकी कौन हुआ है क्या हुआ है कोई मतलब का नहीं है, फिर भी हम बताएंगे और कैसे क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक। तो हर्ष के बारे में समझिए कि गुप्त काल के बाद जो समझिए कि उत्तर भारत में जो सत्ता स्थापित होती है, सबसे बड़ी सत्ता, वो हर्षवर्धन के कार्य को मानी जाती है। अब ये माना जाता है कि जिसको अब तक कश्मीर को कोई ना सल्तनत जीत पाया, ना अकबर भी नहीं पूर्ण रूप से जीत पाए थे, वो समझिए कि इनका साक्ष्य मिलता है कि हर्षवर्धन के वहाँ साक्ष्य मिले हैं, ठीक, हर्षवर्धन के वहाँ साक्ष्य मिले हैं, हर्षवर्धन जीते थे वहाँ पे, ठीक। अब देखिए हर्ष से पहले ये जान लीजिए कि हर्ष से क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले क्या था कि किस धर्म के थे, ठीक, किस धर्म के थे, ये ध्यान दीजिएगा कि अशोक कनिष्क के बाद जो सबसे बड़े बौद्ध धर्म के प्रचारक, बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म के राजा थे, तो हर्षवर्धन थे, ठीक। अब ये वर्धन क्यों थे, इनका नाम क्या था, हर्ष तो लोग कहते हैं हर्षवर्धन, तो ये इनके पिता जो थे वो वर्धन थे, ठीक, वो आगे जो टाइटल लगाते थे वो वर्धन थे, तो हर्षवर्धन ही हो गए, ठीक। इसका संस्थापक कभी नहीं पूछता है ना पूछेगा, मगर फिर भी आप लोग याद रखिए इसका टाइम पीरियड, कभी इनका टाइम पीरियड भी याद रखिए, इनके समकालीन बस मात्र दो तीन राजा हैं इनके समकालीन, उनको याद रखिए। और फिर समझिए कि देखिए जो इससे क्वेश्चन हर्षवर्धन से जो क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन से जो क्वेश्चन बनता है वो समझिए कि सबसे पहले जानिए क्वेश्चन कैसे बनता है हर्षवर्धन से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, एक किस धर्म के अनुयायी थे, ठीक, प्रारंभ में ये शैव थे, प्रारंभ में ये शैव थे, फिर बाद में क्या होते हैं, ये बौद्ध हो जाते हैं, ठीक। हर्षवर्धन के बारे में आप थोड़ा सा एक बारीकी चीज़ आप जान लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक। अभी ऊपर वाले हम बताएंगे कौन, मगर ये कि हर्ष के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, हर्षवर्धन, ठीक, 606 ईस्वी से कहीं 644 लिखा है, कहीं 647 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इस लास्ट सन पे मत जाइएगा, बस ये मानिए कि इस समय ये थे, ठीक। अब देखिए ये क्या करते थे, जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, आप लोग देखिए कि जैसे क्वेश्चन पूछता है एकदम हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन ये कि समझा के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन किस धर्म से संबंधित है, तो हर्षवर्धन बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सबसे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहले ये शैव थे, शैव से ये बौद्ध होते हैं, ठीक। अशोक कनिष्क के बाद कोई राजा होता है तो हर्ष होते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है कि हर्ष के कार्यकाल में सबसे पहले कौन विदेशी यात्री आता है, उस विदेशी यात्री कहाँ से आता है, तो ध्यान दीजिएगा ह्वेन सांग, एकदम सीक्वेंस में चलिएगा, ह्वेन सांग। अब ध्यान दीजिएगा ह्वेन सांग चीन से आने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, पहले फाहियान थे, सीक्वेंस में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कार्यकाल में आते हैं, और ये क्या है कि ह्वेन सांग दूसरे नंबर पे, ध्यान दीजिए अगर सीक्वेंस में दे दे तो फाहियान के बाद ह्वेन सांग, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक, ह्वेन सांग, फिर उसके बाद इत सिंह। आप एक क्रम याद करिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक। अब किसके कार्यकाल में आते हैं ये अभी देखिए, फाहियान बता चुके, ये बता चुके, अब देखिए इसमें वर्णन क्या है, फाहियान ये समझिए कि ये आते हैं किस लिए आते हैं, ये आते हैं नालंदा जो
बौद्ध का विश्वविद्यालय था नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमार गुप्त किए थे, ये आते हैं वहाँ में, वहाँ पे शिक्षा यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक, बौद्ध धर्म की पांडुलिपियाँ एकत्रित करने के लिए, बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्मस्थली तो भारत में है, ठीक। अब देखिए ये अपने यात्रा वितरांत में जो समझिए कि अशोक के प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंतिम जीवन तक ये वर्णन किए हैं, ध्यान दीजिएगा, वेनसांग अपनी यात्रा वितरांत मतलब इनकी अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन के समझिए कि पुलकेशिन युद्ध जो लड़ा गया था उसका वर्णन इसमें है, पुलकेशिन द्वितीय से जो नर्मदा नदी के तट पर के युद्ध लड़ा गया था उसका वर्णन है साक्ष्य में, ये देखिए इस साक्ष्य में हो गया। अब फिर देखिए फिर क्या होता है, फिर समझिए कि इनके नाटक हैं, हर्ष के नाटक हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, हर्ष के नाटक, किसके नाटक, हर्ष के, ध्यान दीजिएगा हर्ष के नाटक आगे आएगा हम सब बताएंगे, जो नाटक हैं हर्ष के वो ध्यान दीजिएगा हर्षचरित नहीं है, हर्षचरित नहीं है, ठीक ना, हर्ष के नाटक प्रियदर्शिका रत्नावली, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागदशक, ठीक, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागदशक जो इनके नाटक हैं, ठीक। अब देखिए अब जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे पता, और देखिए ध्यान दीजिएगा कि इनके दरबारी कवि कौन थे, किसके, हर्ष के, जो हर्ष महान थे इनके दरबारी कवि कौन थे, एक क्वेश्चन, दरबारी कवि या जिसको संरक्षण देते हैं, ध्यान दीजिएगा दो लोगों को संरक्षण देते हैं, एक वेनसांग को जो बौद्ध धर्म संबंधित थे, एक इनको संरक्षण देते, ठीक, हर्ष किसको किसको संरक्षण देते हैं, ठीक, इनके दरबार में बाणभट्ट थे, ध्यान दीजिएगा वही बाणभट्ट जो समझिए कि इनके कार्यकाल में रचना करते हैं, समझिए कि हर्षचरित। अब ये संस्कृत भाषा की रचना, ध्यान दीजिएगा, अब जो हर्षचरित में हर्षवर्धन का वर्णन है उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है, मात्र 6 सालों का वर्णन है, इनका कार्यखंड कालखंड ये 2 भागों में बांटते हैं, एक युद्ध का कालखंड 606 ईस्वी से 612 तक, और एक शांति का करते हैं। फिर देखिए हर्षवर्धन हर्षचरित हो जाते हैं, और दूसरी रचना कादंबरी है, हर्षचरित की दूसरी रचना भी बताएंगे, कादंबरी है जो बहुत फेमस है, जिनके बारे में हर्ष का वर्णन है बस उसको बता रहे हैं। अब देखिए अब ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म तो बन गए, अब देखिए ये क्या करते हैं, चीन समझिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजते हैं, ठीक, चीन दूत भेजते हैं, ठीक। अब देखिए अब इनके समकालीन राजा कौन थे, समकालीन राजा कौन थे, ध्यान दीजिएगा कि समकालीन राजा जो थे वो समझिए कि चालुक्य वंश के सबसे बड़े जो इनके विरोधी थे, पुलकेशिन द्वितीय। अब समझिए कि यही पुलकेशिन द्वितीय हैं जो इनको नर्मदा के तट पर हराते हैं, किसको, हर्ष को, जिसका साक्ष्य हमें हर्ष उसमें वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में मिलता है, और दूसरा साक्ष्य कहाँ मिलता है, समझिए कि पुलकेशिन के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, जो रचना किए हैं एहोल प्रशस्ति, एहोल लेख लिखे हैं, एहोल लेख, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, एहोल किसके कार्यकाल की रचना है, पुलकेशिन द्वितीय के, इसकी रचनाकार कौन है, रवि कीर्ति है, किस भाषा में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक। अब देखिए अब हर्ष के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, ठीक, पहले आप जान लीजिए फिर उसके बाद देखिए चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती हर्ष की क्या थी, चुनौती या चैलेंज, ठीक, सबसे बड़ा इनका चैलेंज क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक गौड़ शासक शशांक था, गौड़ शासक बंगाल के गौड़ शासक शशांक था, जो समझिए कि इनके भाई की हत्या कर दिया था, उससे बदला लेना, सबसे बड़ा शासक गौड़ शासक शशांक,
शशांक, वही शशांक जो अंतिम बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, ठीक, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम बार बौद्ध वृक्ष को, जो अंतिम बौद्ध वृक्ष था उसको किसने कटवाया है, तो शशांक ने कटवाया। पहली चुनौती किससे थी? शशांक से। दूसरी चुनौती देखिए किससे थी? पुलकेशिन द्वितीय से। अब तीसरी चुनौती जो सबसे बड़ी थी, इनकी बहन थी राजश्री। राजश्री को शशांक का एक विरोधी था, शशांक का बाद में विरोधी हो गया। वो समझिए कि उनको कैद से मुक्ति दिलाना अपनी बहन को, राजश्री को। अब समझिए कि अब यही, अब फिर क्या करते हैं बौद्ध धर्म के लिए, क्या करते हैं जैसे अशोक क्या करते हैं, बौद्ध संगीति आयोजित करते हैं, और समझिए कि जितने राजा थे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, वो प्रचार के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक 5 वर्ष पे, ठीक, बौद्ध संगोष्ठी आयोजित करते थे। बौद्ध संगोष्ठी आयोजित करते थे, सबसे पहले कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, काशी में करते हैं, फिर प्रयागराज में करते हैं, कन्नौज में करते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक। जिस बौद्ध संगीति थी, इनको कहते थे जो बौद्ध बौद्धिक जो अनुष्ठान करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, महामोक्ष परिषद। उसको उस संगोष्ठी को महामोक्ष परिषद कहते हैं, ठीक। और फिर उसके जिसके अध्यक्ष समझिए कि जो दो हुई थी, जिसके अध्यक्ष समझिए कि ह्वेनसांग थे, ठीक, ह्वेनसांग जिसके अध्यक्ष थे, ठीक। और क्या करते हैं, क्या कोई मंदिर बनवाते हैं, कोई स्तूप बनवाते हैं? कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य तो है लेकिन कभी क्वेश्चन वो पूछता नहीं है कि क्या बनवाए हैं क्या नहीं बनवाए हैं। जो इनसे क्वेश्चन आता है मात्र राजनीति का आता है क्वेश्चन, ये किसको जीते हैं, किसको हराए हैं, फिर क्या करते हैं। और समझिए इसकी सबसे बड़ा तो इसमें जो क्वेश्चन आता है इनके साहित्य से आते हैं, ठीक। अब आइए इसको हम विस्तृत रूप से जो है उसको देखते हैं। ये समझिए कि मोटी मोटा तो है लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो यहीं से समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सब क्वेश्चन, जितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम जितना बताए हैं, यहीं से सब पूरा क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी, इसका स्थान, इसका वो देखिए। अब देखिए ये माना जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक, इनकी राजधानी कहाँ थी, ध्यान दीजिएगा कि इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर थी। थानेश्वर यानी कि वर्तमान में हरियाणा, अंबाला, ठीक। लेकिन जो ये हर्षवर्धन जो करते हैं, हर्षवर्धन जो राजधानी स्थापित करवाते हैं, वो समझिए कन्नौज। अगर पूछ दे इनकी राजधानी कहाँ थी, तो ये समझिए कि कन्नौज थी। किसकी? ह्वेनसांग, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हर्षवर्धन की, तो उत्तरी भारत में एक समझिए कि एक जो रिक्त स्थान हो जाता है, तो समझिए कि कन्नौज का, जैसे मगध का बहुत बड़ा बोलबाला था, अब कन्नौज को पाने के लिए, समझिए कि एक कन्नौज है, अब कन्नौज के पाने के लिए उत्तरी भारत में त्रिपक्षी संघर्ष होते हैं। कन्नौज के पाने के लिए त्रिपक्षी का तात्पर्य है 3 राजवंश इस पर आक्रमण करते हैं इसको पाने के लिए, यहाँ के राजा को हराने के लिए। अब समझिए कि जैसे आएगा वैसे हम बताएंगे, लेकिन त्रिपक्षी संघर्ष जान लीजिए। त्रिपक्षी संघर्ष में हर्ष नहीं थे, क्योंकि हर्ष के मरने के बाद त्रिपक्षी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि कन्नौज तो हर्ष के कब्जे में था, तब तक कुछ नहीं था, क्योंकि एक शक्तिशाली राजा वहाँ पे था। ये माना जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष राजा बने थे। अब समझिए कि 16 वर्ष की अवस्था से राजा बने थे, अब समझिए कि उनके पास बहुत समय था, बहुत विस्तार किए। त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन थे ये जान लीजिए। पहले सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक, पाल थे, फिर राष्ट्रकूट थे, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रकूट थे, ठीक। अब ये मान लीजिए कि जो सफलता मिली है, बस यही क्वेश्चन पूछा है, जो सफलता मिली है, कौन कौन राजा होते हैं जब ये पढ़ाएंगे त्रिपक्षी संघर्ष, तो कौन कौन राजा लड़े गए हैं, बहुत राजा लड़े गए हैं इसकी, समझिए कि 200 वर्ष तक त्रिपक्षी संघर्ष चला था, कई पीढ़ियाँ चली थी, ठीक। अब समझिए जो अंतिम सफलता मिलती है वो गुर्जर प्रतिहार, यानी मिहिर भोज, इसके राजा थे मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहारों को अंतिम सफलता मिलती है, ठीक। यहाँ पे समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो आएगा, आपका यहीं से जो हम बताए हैं यहीं से हो जाएगा, लेकिन समझिए कि इतने से काम तो चल जाएगा, लेकिन आप कई बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब एक बार में तो
कुछ चीज़ रखना है, जैसे ह्वेनसांग की ह्वेनसांग आए थे दूसरे नंबर पे थे, ये समझिए कि मान लीजिए आपको दिमाग में बिठा लेंगे जो इनकी रचनाएं हैं तीन हर्षवर्धन की, वो रटना आपको है, इनकी राजधानी रटनी है, और समझिए कि जो हर्ष चरित और कादंबरी के लेखक हैं, और समझिए कि वो सब जानना है, किस भाषा में है ये सब जानना है। अब समझिए आते हैं हम पुष्य भूति वंश पे। अब समझिए कि मेन हम बता चुके, अब समझिए कि इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुष्य भूति वंश या ध्यान दीजिएगा वर्धन वंश। अब ध्यान दीजिएगा, पुष्य भूति का संस्थापक कौन था, ठीक, पुष्य भूति वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, पुष्य भूति नाम का व्यक्ति ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, जिस जो पुष्य भूति नाम हो जाता है इस वंश का, ठीक, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जो इसका वास्तविक संस्थापक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्रियां होती हैं। प्रभाकर वर्धन, अभी ध्यान दीजिएगा इसको, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी, पुत्र राजवर्धन बड़ा पुत्र, छोटा भाई हर्षवर्धन था, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि पुष्यभूति वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में, गुप्त वंश के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पे हुई। यानी इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक। अगर पूछ दें इसका वर्तमान में कहाँ पे, तो हरियाणा के अंबाला में, ठीक। अभी राफेल को हरियाणा के अंबाला में ही रखा गया है, ये भी देखिए। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति को, ध्यान दीजिएगा, जो पुष्यभूति थे, अब पुष्यभूति को इस वंश का संस्थापक में जो शिव का उपासक था, ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो शिव का, आपसे कहे ना ये प्रारंभिक इनका जो धर्म था और शैव था, और बाद में क्या हो जाता है वो समझ बौद्ध हो जाते हैं, उनके परम भागवत थे। इस वंश के तीन राजा हुए, प्रभाकर वर्धन जो वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है प्रभाकर वर्धन, ठीक। उसके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, आपको बताए थे। अब राजवर्धन इनके मरने के बाद गद्दी पर बैठते हैं, ठीक, लेकिन ये बैठना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सन्यासी बनना चाहते हैं। तो समझिए कि ये इनकी अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी, तो ये 7-8 महीना 12-13 महीना ये राज किए थे, ठीक। जब वो मर गए तो ये राजा बने। अब राजा बने तो समझिए कि एक युद्ध करके आ रहे थे, तो वहाँ पर समझिए रास्ते में लगे शिकार करने लगे, तो समझिए कि जो गौड़ शासक शशांक के बारे में बताए थे, वो समझिए कि इनसे मित्रता कर लेता है धोखे से, और समझिए कि इनको भोज पे बुलाता है और निहत्थे जाते हैं और इनकी हत्या कर देता है। कौन? गौड़ शासक शशांक, किसकी? राजवर्धन की। तो उसी से बदला लेने के लिए हर्षवर्धन फिर राजा बनते हैं, बदला लेते भी नहीं है, समझिए स्वाभाविक शशांक की मौत भी हो जाती है, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यह हूणों के साथ हुए संघर्ष के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा कि यह वंश हूण का संघर्ष हुआ था, लेकिन हूण संघर्ष आप बस बिठाए रहिए ध्यान में, क्योंकि कोई राजा नहीं मिलता है, ना कोई कुछ मिलता है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं कि किसी राजा को मारता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर हूण आक्रमण पूछना ही होगा आयोग को, तो पूछेगा कि स्कंदगुप्त के कार्यकाल में कौन आया था, खुशीनवाज, मिहिरकुल के बारे में पूछेगा, तोरमाड़ के बारे में पूछेगा। अब इनके बहुत मुश्किल है पूछना। अभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं उस पर आप लोग थोड़ा गौर करिए कि अगर मान लीजिए सोने का सिक्का पूछ रहा है सर्वप्रथम, तो ये नहीं पूछेगा कि कौन सिक्का सबसे पहले कौन चलाया था, कुछ उसमें यूनिक होगा तब वो चीज़ें पूछता है क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, संभवतः प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। संभवतः का मतलब कुछ भी मत याद रखिए, बस ये मानिए प्रभाकर वर्धन राजा हुआ, ठीक। प्रभाकर वर्धन राजा हुआ, इनके दो पुत्र थे नरवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री, ठीक। उनकी माता का नाम यशोमती था, और यशोमती क्या होती हैं कि उनके प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद वो सती हो जाती हैं, ठीक। इनकी माता हर्षवर्धन की माता, अगर पूछ दे हर्षवर्धन की माता यशोमती कि मृत्यु कैसे होती है, तो सती होने से होती है। अब उसी चिता में वो पूछ जाती हैं। चौथा शासक था जो इस विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है, ठीक। आपको बताए थे
हर्ष के प्रारंभिक 12 वर्ष तक का, हर्ष के जो 12 वर्ष का इतिहास है वो बस सिर्फ मात्र प्रारंभिक जीवन का इतिहास हर्ष चरित्र मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक मिलता है, हर्ष चरित्र में मिलता है। हर्ष चरित्र के उन्होंने बाणभट्ट लिखे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, आपको बताए थे अभी, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री थी, ठीक। और इनकी माता जो थी, इन तीनों की माता जो थी, माता यशोमती थी, जो सती हुई थी। देख ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं कि राजश्री मतलब पुत्री राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने मौखरी के राजा, ठीक, गृहवर्मन से करते हैं। अब इसी गृहवर्मन को गौड़ शासक जो शशांक था वो मरवा देता है। फिर इनको कब्जे में राजश्री को फिर वो मतलब बंदी बना लेता है। उसी बंदी को छुड़ाने के लिए इनकी सबसे बड़ी चुनौती थी, बहन को छुड़ाने के लिए किसकी, हर्षवर्धन की, ठीक। ये देखिए कभी नहीं पूछा है ना, पूछेगा इन गृहवर्मन का नाम नहीं पूछेगा। प्रभाकर वर्मन तो पूछा है, संस्थापक में ध्यान दीजिएगा, जो संस्थापक है प्रभाकर वर्धन ही है, लेकिन पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक हैं, जो बस नींव रखते हैं, जो बस एक मतलब ये मानिए कि आके यहाँ सत्ता स्थापित करते हैं, तो पुष्यभूति हैं। अगर पुष्यभूति ऑप्शन में नहीं है तो प्रभाकर वर्मन है, ठीक। अब आइए आप देखिए, बताएं आपको कहानी, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन सिंहासन पर बैठता है। तो राजवर्धन के बाद हर्ष बैठते हैं, सीक्वेंस भी देख लीजिए, हर्ष बैठते हैं। शीघ्र ही मालवा के खिलाफ अभियान के लिए जाना पड़ा। अब ध्यान दीजिए, मालवा के खिलाफ अभियान जो हुआ था वो गए जीते में, जब जीत के लौट रहे थे तो रास्ते में इनका शिकार करने का मन हुआ। शिकार करते करते रात हो गई, फिर क्या गौड़ शासक जो शशांक था अपने घर बुला करके भोज पर निहत्थे थे उनको मार देता है, ठीक ना। मार्ग में गौड़ शासक शशांक, देखिए राजवर्धन ने इनकी हत्या कर दी। अब ध्यान दीजिए कि ये पूछने योग्य है कि किसने हत्या किया, शशांक ने हत्या किया। अब तक कभी नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन शशांक ने हत्या किया है, बस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध वृक्ष को किसने कटवाया था, तो शशांक ने, गौड़ शासक शशांक ने। एक किसके कार्यकाल में, हर्ष के कार्यकाल के समय है। हर्षवर्धन राजा बना, देख ध्यान दीजिएगा, राजवर्धन जो था उसके बाद कौन राजा बना, हर्षवर्धन बना, और शशांक की मृत्यु के बाद ही अपने राज्य की पर्याप्त विस्तार किया, ठीक ना। लेकिन ये माना जाता है शशांक को ये मारते नहीं है, ठीक, शशांक को ये मारते नहीं है, ठीक ना, शशांक को ये मारते नहीं है, शशांक की मृत्यु स्वाभाविक हो जाती है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज, ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन जो करते हैं अपनी न्यू राजधानी जो हो वो कन्नौज बनाते हैं। नवीन राजधानी कहाँ बनाते हैं, कन्नौज बनाते हैं, ठीक। लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ठीक। अब देखिए 47 तक राज्य करते हैं, उसका साम्राज्य पंजाब से लेकर के उड़ीसा, हिमालय से लेकर नर्मदा तक था, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा तक था इनका साम्राज्य विस्तार, ठीक। अब देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था। अब ये तो जायज सी बात है, जब हम पुष्यभूति पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन पढ़ रहे हैं, तो किस वंश का था, पुष्यभूति वंश का था। इसकी जो नीति थी प्रारंभ में विजय विस्तार की नीति थी, जो ये माना जाता है, कई राइटर बताए हैं 606 ईस्वी से 612 ईस्वी तक ये क्या किए, इनका युद्ध का काल है, युद्ध का कार्यकाल है, ये युद्ध किए और राज्य जीते। इसीलिए देखिए कि हिमालय को जीतने के लिए अकबर ललायत थे वो नहीं जीत पाते हैं, समझिए अंग्रेज ललायत थे वो भी नहीं कुछ कर पाते हैं, उस पर सत्ता स्थापित करते हैं कौन, हर्षवर्धन, ये पता चलता है। नेपाल को भी जीते थे, नेपाल में समझिए कि हर्ष संवत चलवाते हैं, ठीक, ये हर्ष संवत भी चलाते हैं, ठीक, जिसकी स्थापना नरवर्धन 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ की थी। केवल थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता, ध्यान दीजिएगा, कि अधीन था, ठीक, कौन अधीन था, ये जो वंश था, हम प्रभाकर, वास्तविक रूप से हम प्रभाकर वर्धन से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभाकर वर्धन इसके सर्वे सर्वा हैं, वास्तविक संस्थापक बताए थे ना, प्रभाकर वर्धन थे, ठीक। लेकिन सीक्वेंस आएगा, सबसे पहले प्रभाकर वर्धन, ध्यान दीजिएगा कैसे याद करिएगा, प्रभाकर, राया राजवर्धन, ठीक, फिर लास्ट में हर्ष तो है ही, ठीक, लास्ट में हर्ष तो है ही, ठीक। अब आइए आप ध्यान दीजिए,
इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। ठीक, किसने? हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, महेश्वर की उपाधि धारण किया, क्योंकि प्रारंभ में शैव थे। ध्यान दीजिएगा, महेश्वर मतलब महेश्वर, महाधनेश्वर, महेश्वर, महेश्वर क्या आते कि वो शैव की, शैव का, शैव होने का संकेत बताता है कि ये शैव थे, कार्तिकीय शैव का, और बैल शैव का चिन्ह है। ठीक, अब देखिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में सिंहासन का उत्तराधिकारी बना, जब उसके भाई राजवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी गई थी। गौड़ शासक था शशांक। ठीक, अब देखिए ये आपको सिंहासन पर बैठने के बाद, जो जब हर सिंहासन में बैठते हैं तो बैठने के बाद जो सबसे बड़ा इनकी चुनौती थी, इनकी बहन थी, क्योंकि इस समय इनकी बहन जो राजश्री थी वो समझिए कि मालवा शासक के कैद में थी। ठीक, उनको छुड़ाना था। अब समझिए किसी कारण से वो वहाँ से भाग गई, भागी वहाँ से, कहाँ से? मालवा शासक के यहाँ से, अपने आप को छुड़ा करके। ठीक, फिर वहाँ से क्या होता था कि वो सती होने जा रही थी। ठीक, सती होने जा रही थी, तो एक व्यक्ति, एक बौद्ध धर्म भिक्षु, बौद्ध भिक्षु हैं जो समझिए कि इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं हर्षवर्धन को, वो आके इनसे बताते हैं। अब ये कहा जाता है कहानी, देखिए कि ज्यों कूदने जा रही थी तब तक हर्षवर्धन पहुंच करके उनको बचा दिए। फिर वो भिक्षु होना चाह भिक्षुड़ी होना चाहती थी, तो वो भिक्षु होना नहीं वो स्वीकारे हर्षवर्धन की, नहीं आप भिक्षु नहीं हो सकते, सन्यासी नहीं बन सकते। फिर लाते हैं घर पे, फिर उनके उनको राज सौंपते हैं। राज मतलब पूर्ण रूप से अपने करते हैं, लेकिन उनको खुश करने के लिए राज देते हैं और अपने पूर्ण रूप से राज करते हैं। ठीक, अब दूसरे अभिलेखों में शशांक की मौत के बाद उसने मगध और शशांक के साम्राज्य की विस्तार, अब देखिए बंगाल गौड़ शासक, गौड़ मतलब क्या कि बंगाल के शासक शशांक था, अब उनके मरने के बाद बंगाल भी अपने कब्जे में ले लिए थे। ठीक, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी स्थापित की। एक बड़ी सेना के साथ हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को पंजाब से उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा तक विस्तार किया। ध्यान दीजिएगा नर्मदा, अब यहाँ नर्मदा का नाम आता है। अब नर्मदा पे एक युद्ध लड़ा गया था हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच, जिसमें पुलकेशिन की जीत होती है और हर्षवर्धन की हार होती है, और कहीं कहीं बताया गया है हर्षवर्धन की जीत होती है। ठीक, तो इसको सबसे बड़ा साक्ष्य किसमें मिलता है? एहोल्लेख, एहोल्लेख पुलकेशिन द्वितीय का है, जो संस्कृत भाषा में रविकीर्ति द्वारा लिखा गया है। अब समझिए कि उसमें मिलता है, और किसमें मिलता है? जो भिन्नसांग आते हैं उनकी यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ठीक, जो नर्मदा तट पे युद्ध होता है उसका वर्णन, नर्मदा के आगे भी साम्राज्य की विस्तारित करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहे। ठीक, विफल रहे। अब आइए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कहें ना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा, बादामी के चालुक्य। ठीक, अब जब हम इसके बाद पढ़ाएंगे चालुक्य पढ़ाएंगे, तो समझिए कि चालुक्य कई शाखा में थे, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ठीक, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य थे वो बादामी के चालुक्य थे। ठीक, जिसके शासक पुलकेशिन द्वितीय थे के हाथों, ध्यान दीजिएगा, जो नर्मदा तट पे पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध लड़ा गया था उनमें क्या है, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय होती है कि ठीक ना, हार का सामना करना पड़ता है। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित में हर्ष की अवधि में एक सफल दस्तावेज के रूप में मौजूद है। प्रारंभिक जीवन, हर्षचरित कौन लिखे हैं? बाणभट्ट लिखे हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्ष के दरबार में थे। ठीक, कादंबरी भी बाणभट्ट की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, चीनी यात्री बताए थे ना, चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है, किसके कार्यकाल में आता है? समझिए कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आता है। इसने हर्ष के शासन के दौरान यहाँ का दौरा किया था, जिसकी मतलब ह्वेनसांग की रचनाओं में हर्ष और हर्ष की अवधि के दौरान भारत के बारे में काफ़ी विस्तारित वर्णन किया है। ठीक, अब देखिए हर्ष की इतने कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, कभी सन नहीं पूछा है कि इनकी मृत्यु किस ईयर में होती है, आप लोग भी मत याद रखिएगा, बस एक मोटी मोटा जानिए कि ये कब तक थे, कब तक, जब तक थे विजय विस्तार बौद्ध नीतियों का पालन करते थे। ठीक, अब उसके साम्राज्य
का भी अंत हो गया। अब देखिए इनका प्रशासन देखिए क्या कैसा प्रशासन था। अब प्रशासन में समझिए कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो प्रशासन में, तो समझिए कि आपको ये भी समझना होगा सबका प्रशासन बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे तो गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, सल्तनत प्रशासन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मुगल प्रशासन पढ़ेंगे। अब समझिए कि इनका प्रशासन से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक, ना किसी मंत्री का जिक्र है, ना किसी बहुत विभाग का जिक्र है। अब ये क्या होता है, गुप्त काल के विभाग ही अपने यहाँ रख देते हैं, ठीक, जो गुप्त काल में विभाग थे, ठीक। अब देखिए हर्ष, फिर भी आप देख लीजिए हर्ष साम्राज्य राजस्व में चार भागों में विभाजित था, जो पहले ही था, भाग था खर्च किया जाता था, दूसरा एक भाग था विद्वानों पर खर्च किया जाता था, आज भी अभी आपको बताएंगे ऐसे रिलेटेड करके, तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता था और चौथे भाग धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया था। अब देखिए ये कोई वैसा कार्य नहीं किए हैं जैसे अशोक किए थे, ठीक, जन कल्याण के लिए कोई विभाग खोलते हैं नहीं किए हैं, जन कल्याण का कोई बहुत बड़ा काम किए हैं नहीं किए हैं। तो समझिए यहाँ के इनका प्रशासन को आप देखिए ही मत, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है यहाँ से, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ें, आप लोग वही चीज़ पढ़िए जो समझिए क्वेश्चन आता हो, जहाँ से क्वेश्चन आता हो, और समझिए कि हम आपको बहुत सटीक बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता ऑब्जेक्टिव में। अब सॉल्व करिएगा देखिएगा कि यहाँ से बस मात्र जो क्वेश्चन आता है बस तीन चार क्वेश्चन को बार बार वही रिपीट करता है, तीन चार क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, जो हम शुरू में बता चुके हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक। सामाजिक आर्थिक जीवन आपको बता चुके कि इस समय क्या था, कि सामाजिक हर्षवर्धन हर्ष क्या थे, प्रारंभ में शैव थे बाद में बौद्ध बन जाते हैं, ठीक। फिर भी आप एक बार जान लीजिए हर्षवर्धन राज्य का दौरा करने वाले वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अस्तित्व में थी, जो पहले ही थी, जो जाति व्यवस्था सामंती व्यवस्था का प्रारंभ तो गुप्त काल से ही शुरू हो जाता है, ठीक। इसके अलावा मिश्रित और उपजातियों का भी उदय हुआ, ध्यान दीजिएगा मिश्रित और उपजातियों का भी उदय हुआ, एक गुप्त काल में नवीन जाति का नए जाति का उदय होता है कायस्थ, ध्यान दीजिएगा नोट भी कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कायस्थ ये नई जाति थी। अब कायस्थ का उल्लेख ध्यान दीजिएगा, कायस्थ का एक वर्ग के उल्लेख वर्ग के रूप में, ठीक, एक वर्ग के रूप में याज्ञवल्क की स्मृति में मिलती है, ठीक, याज्ञवल्क ने किया, लेकिन एक जात के रूप में, एक जात के रूप में ओशन स्मृति में, जो ओशन स्मृति है उसमें मिलता है कायस्थ, ठीक। अब इसी जात का यहां पे वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, वेनसांग ने अछूत और जातिच्युत के अस्तित्व का भी उल्लेख किया, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई, ठीक। अब कोई मतलब का नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई बहुत वो बड़ा काम नहीं किए हैं कि जो क्वेश्चन आपका बन सके, ठीक। अब देखिए आइए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा लेकिन हम बता चुके हैं, फिर भी जानिए हस्तियाँ मतलब क्या है, कि इनके दरबार में कौन कौन थे, कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इनके दरबार में विराजमान थे। अब ध्यान दीजिएगा कि दो लोगों का नाम बताए थे, बाण भट्ट हर्ष के दरबार में एक कवि थे, इन्होंने हर्षवर्धन के जीवनी पर हर्षचरित की रचना की, जिसमें उन्होंने विस्तृत जानकारी के साथ हर्ष की शक्ति उदय घटनाओं मतलब विजय विस्तार यहाँ तक कि संस्कृत भाषा में लिखी गई उनकी रचना थी। पहली रचना क्या थी, हर्षचरित, किसकी, बाणभट्ट की, और दूसरी रचना जो थी वो कादंबरी थी। कादंबरी में भी समझिए कि हर्ष का वर्णन करते हैं लेकिन ये अंतिम में करते हैं, ठीक। जो अगर पूछ दे प्रारंभिक जीवन में और नया क्वेश्चन बन जाए कि हर्ष के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किस में है, तो हर्षचरित में है, ना कि कादंबरी में। अब देखिए दूसरे जो इनकी दरबार में आए थे, चीन से आए थे, फाहियान के बाद भारत आने वाले दूसरे चीनी हैं, किसके कार्यकाल में आए थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे वेनसांग, ठीक। अब चीनी तीर्थ यात्रा मतलब यात्रा वृत्रांत, एक चीन तीर्थयात्री थे, उसने ही
उसने भी हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए ह्वेनसांग किस लिए आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए थे। बौद्ध धर्म की जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करते हैं उसमें ये शिक्षा भी ली है, और समझिए कि बौद्ध धर्म को बहुत बारीकी से जानने के लिए आते हैं। ठीक, अब देखिए चीन वापस जाने के बाद कौन, ह्वेनसांग, उसने सीयू की, अब ध्यान दीजिएगा, सीयू की नामक एक पुस्तक लिखी, सी यू की। अब अगर पूछ दे सीयू की नामक पुस्तक किसकी है तो ह्वेनसांग की है, ध्यान दीजिएगा, सीयू की नामक पश्चिम की दुनिया पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन के साथ साथ ह्वेनसांग अपनी पुस्तक में दो अन्य राजाओं का नाम लिखे हैं, तो पल्लव, ध्यान दीजिएगा, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन जो स्थापत्य कला का बहुत बड़ा राजा था, जो पल्लव पढ़ाएंगे तो पल्लव समझिए कि मात्र स्थापत्य कला के लिए पढ़ा जाएगा, ठीक, जो बहुत बड़ा राजा था। अब चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन, अब इससे बताए थे ना कि ह्वेनसांग जो क्या किए थे कि जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ ही हारते हैं उसका वर्णन ह्वेनसांग किए हैं, ना कि हर्षचरित में है, ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित में वर्णन नहीं है। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा भी किए थे क्योंकि बहुत बड़े राजा थे पुलकेशिन, समझिए अश्वमेघ यज्ञ भी करते हैं पुलकेशिन, और समझिए कि उसके दरबार में रवि कीर्ति कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक, अब देखिए वह अफगानिस्तान के मध्य संबंध एशिया में आया था जो कोई मतलब का नहीं है, और वापस चला गया, उसी मार्ग से अफगानिस्तान से आया था उसी मार्ग चला गया। ह्वेनसांग ने नालंदा, ठीक ना, ह्वेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया। देखिए ये बता अभी बताए हैं नालंदा, आपको फिर जान लीजिए एक बार, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त करते हैं, क्योंकि अभी देखिए विक्रमशिला की स्थापना नहीं होती है। ठीक, अभी भी विक्रमशिला की स्थापना नहीं होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, नोट करके देखिए कि विक्रमशिला की स्थापना कौन करता है, विक्रमशिला की स्थापना पाल शासक धर्मपाल करते हैं। ठीक, अब आइए आप हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सीखने वालों के लिए एक महान संरक्षक भी थे। अब देखिए इनको महान संरक्षक क्यों कहा जाता है कि ये खुद रचनाएं करते थे, ये खुद, इनकी तीन पुस्तक लिखी गई है जो समझिए कि बहुत बड़ा नाटक है संस्कृत भाषा में। ठीक, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, लिखा गया, आप समझिए कि वो नाटक, समझिए कि कई बार नाटक को पूछा हुआ है, आप सॉल्व करिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, चाहे आप पीसीएस उठा लीजिए, चाहे आईएएस उठा लीजिए, चाहे लोअर उठा लीजिए, चाहे समीक्षा अधिकारी उठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन प्री के या मेंस के जो भी हों, आप उसमें जरूर पाएंगे कि ये तीनों रचनाएँ पूछी हुई हैं, ये तीनों रचनाएँ नाटकों में नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, रत्नावली को आप तुलसीदास मत लगा दीजिएगा, तुलसीदास की रचना है गीतावली कवितावली और दोहावली। ठीक, ये रत्नावली जो है किसकी है, ये नाटक है, ध्यान दीजिएगा, कविता नहीं है, नाटक है, हर्षवर्धन की है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, उसने विश्राम गृह और अस्पतालों का भी निर्माण कराया था जो कोई मतलब का नहीं है। ठीक ना, कोई भी मतलब का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसलिए बता रहे हैं कि आप इतना जानिए कि एक दिमाग में रहेगा कि किए थे, लेकिन आप इसको जो रटना है जो पढ़ना है बस वो दिमाग बिठाइए कि जो हाँ जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट है वो हम बता देंगे आपको। ठीक, अब आइए ह्वेनसांग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ह्वेनसांग में जब बौद्ध धर्म की संगोष्ठी, बौद्ध धर्म से संबंधित सभा दीक्षित करने के लिए संगोष्ठी स्थापित की गई थी, तो उस समय उसका जो पुरोहित था, उसका जो सर्वे सर्वा था, अध्यक्षता किसने किया था, ह्वेनसांग ने किया था। देखिए आगे पढ़िए इसको, ह्वेनसांग कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में भी उल्लेख किया है, जिसको इस सभा को कन्नौज के हर्षवर्धन के कार्यकाल में महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक, कन्नौज में, ठीक, 4000 बौद्ध भिक्षुओं और 3000 जैन ब्राह्मणों ने भाग लिया था, हर 5 वर्ष पे, ध्यान दीजिए, हर 5 वर्ष पे आयोजित होती थी, अंत में प्रयाग, प्रयाग में भी, आपसे बताया था शुरू में ना, प्रयाग में और कन्नौज में ये खुद थे, जिसको क्या कहा जाता था, जिसको देखिए ना महामोक्ष परिषद कहा जाता था, एक धार्मिक संगोष्ठी थी, ठीक, उत्सव कहिए या संगोष्ठी कहिए का आयोजन करता था, कौन, ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कौन करता था, ठीक, ये करते थे हर्षवर्धन करते थे, क्योंकि देखिए इस हर्षवर्धन का प्रारंभिक जो धर्म था, प्रारंभिक धर्म वो शैव था। ठीक,
क्योंकि ये महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। इससे पता चलता है जो बाद में होता है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक हो जाते हैं, ठीक, बौद्ध धर्म हो जाता है। यहाँ पर दान समारोह भी आयोजित किया जाता था, जैसे गरीबों को ले दिया जाता था। हर्षवर्धन अपनी आय को चार बराबर भागों में बांटता था, आपको बताए थे, शाही परिवार के लिए, सेना प्रशासन के लिए, धार्मिक निधि के लिए, ध्यान दीजिएगा गरीबों के लिए भी, गरीबों के लिए भी था, जैसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था दीवाने इस्तहाक, दीवाने बंदगान, बंदगान जो था गरीबों के लिए था, इस्तहाक था पेंशन विभागों के लिए था, ऐसे था। तो यहाँ पर भी देखिए वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के पास एक कुशल सरकार थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि यहाँ परिवार पंजीकृत नहीं किए जाते थे, यानी कि जो अशोक के कार्यकाल में जो गणनाएं शुरू हुई तो समझिए कि इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नियमित रूप से होने वाली डकैती के बारे में वर्णन किया है, जो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे मतलब का है, पुलकेशिन द्वितीय, देखिए बार बार आ रहा है पुलकेशिन द्वितीय, अभी दिमाग में बिठा लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय जो थे इनको हराए थे हर्षवर्धन को, जिसका साक्ष्य कहाँ मिलता है, वेनसांग की यात्रा सियुकी में मिलता है, और कहाँ मिलता है, एहोल लेख, ध्यान दीजिएगा एहोल लेख कर्नाटक का लेख, वह पहला उत्तर भारतीय राजा था जिसने दक्षिण भारतीय राजा के हाथों पराजय का सामना करना, ध्यान दीजिएगा ये क्या थे, दक्षिण भारत के राजा थे और हर्ष उत्तर भारत के राजा थे, ये हराए थे। और समझिए कि एहोल लेख में वर्णन है, एहोल लेख के लेखक बताए थे आपको रवि कीर्ति हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महत्वपूर्ण घटनाएँ बता चुके हैं, लेकिन एक बार जान लीजिए, हर्षवर्धन की स्थापना 5वीं सदी के 6वीं 6वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ के आसपास नरवर्धन द्वारा की गई, जो कोई वो बहुत महत्वपूर्ण का नहीं है। हर्षवर्धन के बड़े भाई, बार बार क्यों बता रहे हैं आपको कि याद हो जाए, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, कि मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में सिंहासन पर आसीन हुए। हर्ष अपनी बहन राजश्री को छुड़ाया था, जिसे शशांक ने उसके पति ग्रह वर्मा की हत्या के बाद बंदी बना लिया था, ध्यान दीजिएगा शशांक ने बंदी बना लिए थे। ध्यान जाइए कि इनके सबसे बड़े शत्रु, हर्ष के सबसे बड़े शत्रु गौड़ शासक शशांक हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बौद्ध विरोधी है, बौद्ध लोगों को मरवाते हैं, ठीक। अब देखिए वेनसांग ने 631 ईस्वी में दरबार का दौरा किया, वेनसांग ने किसके दरबार का, आप समझिए कि हर जिसके कार्यकाल का वर्णन कर रहे हैं, जिस राजा के वर्णन कर रहे हैं उन्हीं राजा के, हर्ष को 637 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा, जो बता चुके हैं ऊपर, ठीक। अब देखिए 643 वेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया था, ये भी बता चुके हैं, कन्नौज और प्रयाग में जो निरंतर 5-5 वर्ष पे होते थे, ठीक। अब समझिए कि अब यहाँ पे जिसके हर्ष का निधन हो गया, निधन तो अगर आप जिंदा आप दुनिया में आए हैं तो निधन तो होना ही होना है, ठीक। अब समझिए कि यहाँ आपका हर्ष काल समाप्त होता है, जो उस पर क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, आपसे बताए थे रचनाएं या लेख भी कह सकते हैं, लेख, ठीक, जो रचनाएं हैं, जो हर्ष के 3 नाटक है वो है, फिर उसके बाद हर्ष जैसे फिर उसके बाद कादंबरी है, हर्षचरित है के लेखक कौन है, फिर उसके बाद सियुकी के लेखक कौन है, एहोल लेख के लेखक कौन है, एहोल लेख किसके कार्यकाल में लिखा गया था। अब यहाँ से रचनाएं आप सॉल्व करिएगा ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी क्वेश्चन, मगर यह कि पीसीएस वाला ही करिएगा, उसमें देखिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जितना हम पढ़ाए हैं मिल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन समाप्त होता है, ठीक। हर्षवर्धन हर्षकालीन समाज हुआ, राजनीतिक हुआ, साहित्यिक हुआ, सब बता चुके, वो समाप्त होता है, ठीक। अब शुरू होता है यहाँ पे देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत में, ठीक ना। अब कुछ वंश में अब देखिए हम पढ़ाएंगे क्या, अब जान लीजिए कुछ वंश का नाम ले रहे हैं, जैसे पल्लव राष्ट्रकूट चालुक्य पाल गुर्जर प्रतिहार और
राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट ठीक ना। अब इतना ही, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से जो पांच छह राजवंश हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये समझिए कि अब दक्षिणी भारत, उत्तर भारत का हम देख चुके ठीक। अब इनके बताए थे ना जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी तो समझिए कि उत्तर भारत में गैप हो गया था किसी अच्छे नेतृत्व का। तो यहीं पे समझिए कि कन्नौज को लेकर के, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सफलता मिलती है वो गुर्जर प्रतिहारों को मिलती है ठीक। अब शुरू कौन किया था, शुरू समझिए कि राष्ट्रकूट किए थे। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे ठीक। तो अब ध्यान दीजिए कि अब हमको आपको जो इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा, जो पल्लव हैं, जो पल्लव हैं, पल्लव से जो क्वेश्चन आता है ठीक, राजा से संबंधित, राजा से संबंधित उनके स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, पल्लव से भी, राष्ट्रकूट से भी, चालुक्य से भी ठीक। यहां से जो संबंधित पूछता है कि इस संबंध में राजा से संबंधित स्थापत्य कला, मतलब क्या है कि कौन सा मंदिर, कौन सा स्तूप, कौन सा मतलब पेंटिंग किस राजा के कार्यकाल में हुई है, जैसे पल्लव में है, पल्लव पढ़ना है हमको ठीक। तो सबसे पहले पल्लव स्टार्ट करते हैं ठीक, और बारी बारी से समझिए कि सब बताएंगे आपको ठीक ना। तो पल्लव आप देखिए, पल्लव पहले ठीक। अब पल्लव में देखिए हमें जानना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, पहले एक मोटी मोटा जैसे पल्लव हम पढ़ा रहे हैं ठीक, पल्लव बता रहे हैं, पल्लव में हमें जानना क्या है ठीक। तो सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको आप एक बार देख लीजिए पल्लव में, पल्लव में एक बार देख लीजिए आप ठीक। अब पल्लव में देखिए कि पढ़ने से पहले एक बार आप जान लीजिए मोटी मोटा कि आपको जानना क्या है। जैसे हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसका फ्लो चार्ट में दिखा देते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है, जो आता जो हमको यही सब बाद में विस्तृत करना है। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देख ले रहे हैं फिर समझिए कि अंदर भी समझिए कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर समझिए हम बता भी देंगे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन क्वेश्चन पूछा है और कौन क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा पल्लव, अब पल्लव में जो आपको पढ़ना है ठीक, जो सबसे पहले पढ़ना है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में जान लीजिए कि यहाँ के मंदिर कैसे थे ठीक, मंदिर कैसे थे। अब ध्यान दीजिए पल्लव कला, पल्लव धर्म शैव धर्म से संबंधित है ठीक। ध्यान दीजिएगा पल्लव जो है पल्लव शैव धर्म से संबंधित है ठीक, पल्लव जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। तो और इनका राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, वो बैल है ठीक। अब इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है, भाषा भाषा इनकी संस्कृत और कन्नड़ है। ध्यान दीजिएगा अब क्षेत्र क्या है, क्षेत्र दक्षिण भारत है। अभी सब बता रहे हैं आपको, दक्षिण भारत है यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिण में था ठीक, कृष्णा नदी के दक्षिण में था ठीक, दक्षिण भारत है। अब देखिए अब ये स्थापना क्या क्या किए थे, जो ये न्यू है इनके कार्यकाल में, सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि जो जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो इनके स्थापत्य कला था कैसा ठीक। तो इनका स्थापत्य कला द्रविड़ था ठीक, द्रविड़ था। अब द्रविड़ का तात्पर्य क्या है कि अष्टकोणी मंदिर बनने लगे थे द्रविड़। देखिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जान लीजिए, जो स्थापत्य कला है, मंदिर बनाने की परंपरा है, वो समझिए कि उनकी शैलियां हैं ठीक, नागर शैली, दूसरा बेसर शैली,
बेसर शैली, तीसरा द्रविड़ शैली। ठीक, द्रविड़ शैली। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस द्रविड़ शैली, ठीक, द्रविड़ शैली के संस्थापक कौन है, पल्लव हैं। पहला क्वेश्चन अगर पूछ दे कि द्रविड़ शैली का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था, पल्लव के कार्यकाल में हुआ था। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि एरिया देख लीजिए, अब नागर शैली हिमालय से लेकर के, मतलब भारत की दृष्टि से कश्मीर से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक, ये नागर शैली है। ठीक, नागर शैली समझिए कि ऊपर से कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत तक, ये नागर शैली है। अब बेसर शैली क्या है, ध्यान दीजिए, बेसर शैली, बेसर शैली क्या है कि नागर और द्रविड़, नागर शैली और द्रविड़ शैली से जो मिश्रित रूप निकला है, बीच वाला भाग है, वो बेसर शैली है। ठीक, अब इसका एरिया कहाँ से, विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक। अब द्रविड़ का एरिया कहाँ है, ये कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, लास्ट तक। ठीक, अब एक न्यू क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पन्नो ये करते हैं द्रविड़ कला, द्रविड़ कला शैली के संस्थापक थे कौन, ये। अब दूसरा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत में, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, वो समझिए कि भारत में जो होता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, ये द्रविड़ पल्लव के शासनकाल से होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो भक्ति आंदोलन शुरू होता है, तो भक्ति आंदोलन में समझिए कि शैव और वैष्णव के रूप में होते हैं। ठीक, अब प्रारंभ में ये वैष्णव थे, फिर बाद में शैव हो गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये है शैव और ये है वैष्णव, वैष्णव, लेकिन हम जो जिस आंदोलन को जिस रूप में जानते हैं, जिस नाम के रूप में, वो शैव और वैष्णव के रूप में नहीं जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम जानते हैं नैनार और अलवार, एक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नैनार का संबंध किस धर्म से है, अलवार का संबंध किस धर्म से है। नैनार का, ध्यान दीजिएगा, याद करने का देखिए, नैनार का शैव से है, शैव मतलब शंकर जी, अगर ये बस एक आप याद करिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ठीक, नैनार यानी कि शंकर जी को तीन आंखें थी, एक एक्स्ट्रा थी, इसलिए नैनार, नैनार। ठीक, और वैष्णव से अलवार। अब ये पूछता है कि अलवार और नैनार का विकास, भक्ति आंदोलन की स्टार्ट कहाँ से होती है, तो पल्लव से होती है। ठीक, अब फिर आइए, अब समझिए कि जो स्थापत्य कला पढ़ाए थे, जो मंदिर बनने की परंपरा क्या थी, अब देखिए इनके कार्यकाल में क्या होता है, मंदिरों को काट करके, पर्वतों को काट करके गुहा लेख बनाया जाए, गुहा पर्वत बनाया, गुहा मंदिर बनाया जाता है। जो विकास होता है, मंडप का विकास होता है, अष्टकोणी मंदिर का विकास होता है, रथ मंदिर का विकास होता है। यहाँ तक कि समझिए कि जो रथ मंदिर, अगर क्वेश्चन कई बार पूछा है, रथ मंदिर का पल्लव में होता है, पल्लव के किस राजा का नाम, अभी बताएंगे, वो सब बताएंगे। जो रथ मंदिर है, ये समझिए कि इसमें जो मामल्लपुरम में, वो समझिए कि सात मंदिर हैं। ठीक, अब सात मंदिर में पांच पांडव के हैं। ठीक, अब दो हैं, एक गणेश के हैं, एक गणेश जी के हैं, और दूसरा द्रौपदी के हैं, द्रौपदी के। अगर इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा मंदिर और सबसे विख्यात मंदिर किसका है, तो धर्मराज का मंदिर है, और सबसे छोटा मंदिर जो है वो द्रौपदी का मंदिर है। ठीक, यहाँ पे आइए, अब जो मंदिर, मंदिर के समझिए कि मंडप बनने शुरू हुए, दूसरा पर्वतों को काट कर, मतलब गुहा मंदिर, गुहा मंदिर बनने शुरू हुए, और रथ मंदिर, रथ मंदिर बनने शुरू हुए। अब जो समझिए कि इसका संस्थापक का नाम तो कभी नहीं पूछा है कि इसके संस्थापक कौन थे, लेकिन इसका जो अंतिम राजा है उसका नाम पूछा है। ठीक, अब समझिए कि जो नैनार अलवार बताए थे, अभी हम लास्ट में बताएंगे कौन से नैनार थे, कौन से अलवार थे, और समझिए कि क्वेश्चन पूछता है नैनार अलवार का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब समझिए कि आपका पूरा स्थापत्य कला से लेकर के सब कुछ यहाँ पे हो गया। एक बार में ध्यान दीजिएगा कि ये द्रविड़ स्थापत्य कला, द्रविड़ शैली का विकास पल्लव में हुआ था, अभी सब आएगा। ठीक, अब समझिए कि इसी में
आपका जो क्वेश्चन है, अब इसी में आपका सब क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं इस रूप में, ठीक। अब आइए, आप जो आपको सब बता चुके वो अब आइए यहाँ पे देखते हैं इसको, पल्लव वंश, ठीक। सबसे पहले जानिए पल्लव का जो स्थान था, ठीक, वो दक्षिण भारत में था, जो दक्षिण भारत में था, जो कृष्णा के दक्षिण, कृष्णा नदी के दक्षिण में था, नीचे तक था, ठीक। ये बहुत विख्यात किस रूप में हुए थे, स्थापत्य कला के रूप में हुए थे, ठीक। अब आइए, आप पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, अब ध्यान दीजिएगा इसको, विष्णु ने किया था। अब समझिए कि ये कहाँ के पल्लव थे, आप ऐसे याद करिए, कांची के पल्लव, यानी कि इनकी राजधानी कांची थी, ठीक, इनकी राजधानी कांची थी। अब समझिए कि कांची के पल्लव, यानी कि आपको देखिए याद हो गया, यानी कांची के पल्लव, कांची के पल्लव थे। द्रविड़ कला शैली का विकास होता है, नैनार अलवारों का यहाँ प्रारंभ होता है, ठीक। अपनी राजधानी ध्यान दीजिएगा, ये अपनी राजधानी जो है, जो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु एक ही में है, ये राजधानी अपनी कांची बनाता है, यानी तमिलनाडु अपनी राजधानी बनाता है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव का तात्पर्य बताए थे ना अलवार, ध्यान दीजिएगा, अलवार, वैष्णव का तात्पर्य अलवार, एक अंडाला नामक महिला होती हैं जिनको आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है, वो भी अलवार संत थी, महिला अलवार, वो क्वेश्चन अभी बताएंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रसिद्ध दरबारी कवि भारवी, ध्यान दीजिएगा, भारवी ये दरबारी कवि हैं, किसके, सिंह विष्णु के दरबारी कवि हैं। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दीजिएगा कि कृतार्जुनी के लेखक कौन है, भारवी हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कृतार्जुनी के लेखक भारवी हैं, किसके दरबार, किसके, ध्यान दीजिएगा, ये पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में थे, ठीक। मगर आप इसमें याद क्या करिए कि ये किसके दरबार में थे, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारवी की रचना कृतार्जुनी थी ये जरूर याद करिए, ठीक। अब आइए, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन, ध्यान दीजिएगा, महेंद्र वर्मन। अब हाँ, यहाँ पे जान लीजिए ये क्या करते हैं, सिंह विष्णु क्या करते हैं, ये मामल्लपुरम में एक गुहा विहार, गुहा विहार का निर्माण करते हैं, जो बहुत मतलब का ना ये है, यानी कि स्टार्टिंग ये कर देते हैं मंदिर बनाने की परंपरा, पत्थरों को काट करके और पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाने की परंपरा स्टार्ट कर देते हैं। इस वंश का प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन था, ठीक, नरसिंह वर्मन था। अब नरसिंह वर्मन के बारे में यहाँ पे जान लीजिए, अभी आगे ये बताएंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में, यही नरसिंह वर्मन प्रथम के कार्यकाल में रथ मंदिर बनना शुरू हुए मामल्लपुरम में, इनका उपाधि थे मामल्ल, भी इनका उपाधि है मामल्लपुरम में, समझिए कि रथ मंदिर बने, जो 7 मंदिर हैं, 5 पांडवों के हैं और एक द्रौपदी और गणेश जी के मंदिर हैं। ये पूछता है कि सबसे फेमस मंदिर किसका है, सबसे बड़ा मंदिर किसका है, तो वो धर्मराज का मंदिर है, ठीक। धर्मराज का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे विख्यात और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन सबसे छोटा मंदिर किसका है, वो द्रौपदी का मंदिर है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब महेंद्र वर्मन हो गया, परमेश्वर कोई मतलब नहीं, ठीक। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, अब ध्यान दीजिएगा कि कांची का कैलाश मंदिर, ठीक, कैलाश मंदिर दो हैं, एक राष्ट्रकूट मतलब एलोरा का कैलाश मंदिर और एक कांची का कैलाश मंदिर, यहाँ पे आप पूरा कन्फ्यूजन देख लीजिए। नरसिंह वर्मन के कार्यकाल में कांची का कैलाश मंदिर, कैलाश, कांची का कैलाश मंदिर निर्माण होता है, किसके कार्यकाल में, महेंद्र नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में, ठीक। और मामल्लपुरम में शोर मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं, एक शोर मंदिर है, एक कैलाश मंदिर है, लेकिन यहाँ पे नोट करके देख लीजिए, नोट करके लिखिए कि कैलाश मंदिर दो हैं, एक कांची वाले पल्लव वाले, तो कांची के पल्लव नरसिंह द्वितीय, और एलोरा जो राष्ट्रकूट के मंदिर थे एलोरा में, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान दीजिएगा, एक कांची का कैलाश मंदिर तो पल्लव के कार्यकाल में बना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के कार्यकाल में, लेकिन एक एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे, एलोरा आ रहा है, रा आ रहा है, तो ये राष्ट्रकूट,
राष्ट्रकूट हो गए, एलोरा राष्ट्रकूट। अब कांची के पल्लव तो याद ही है, लेकिन इसकी स्थापना एलोरा की कांची के मंदिर की स्थापना कृष्ण प्रथम करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि दोनों क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज मत होइएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट के शासनकाल में और कांची के मंदिर पल्लव के का शासनकाल में, ठीक। अब आइए, आप पल्लव वंश का अंतिम संस्थापक अपराजित था, ध्यान दीजिएगा ये बताए थे, इसका अंतिम शासक अपराजित था, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता था, ठीक। अब आइए आप जो राजा बताए हैं, अब उसका विस्तृत रूप देख लीजिए, यहाँ पे जो छूटा होगा उसमें यहाँ पे देख लीजिए। इस वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण हुआ, बताए थे ना नरसिंह वर्मन जो है इसके कार्यकाल में, अगर क्वेश्चन पूछ दे एकास्मक या एकात्मक मंदिर का निर्माण किस वंश के कार्यकाल में हुआ है, शुरू होता है तो पल्लव काल कार्यकाल में, ठीक। जिसे इसकी उपाधि मामल्ल भी थी, मामल्लपुरम भी थी और महाबलीपुरम में निर्माण कराया था, ठीक। एकास्मक रथ का निर्माण जो था चट्टानों को काट कर बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। अब बताए थे ना 7 मंदिर हैं, 5 पांडवों के और 2, एक द्रौपदी और दूसरे गणेश। अब यहाँ पे देखिए धर्मराज है ना, जो 7 मंदिर हैं टोटल, 7 रथ पे मंदिर हैं रथ वाले, तो इस क्या मनाएंगे रथों पे। अब रथ का नाम डायरेक्ट अगर ले तो ध्यान दीजिएगा कि महाभारत में रथ पे युद्ध होता था, तो ये धर्मराज का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा या प्रसिद्ध जो था वो धर्मराज का मंदिर था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और सबसे छोटा जो था, छोटा वो द्रौपदी का था। अब ध्यान दीजिएगा पल्लवकालीन मंदिर का निर्माण की शैलियां, आपसे बताए थे ना जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी, इसीलिए कहा जाता है कि द्रविड़ शैली का विकास पल्लव काल में हुआ है। देखिए बार बार बताना है, द्रविड़ शैली का विकास पल्लव काल में होता है, ठीक। अब आइए, पल्लव नरसिंह वर्मन द्वारा अपनाई गई मामल शैली का प्रयोग महाबलीपुरम में 5 मंदिरों में होता है, जो आपको बता चुके 5 रथ मंदिर, 7 रथ मंदिर होते हैं लेकिन 5 क्या है कि पांडवों के मंदिर मिलते हैं। इसे राजसिंह शैली का प्रयोग कांची के कैलाश मंदिर में देखने के मिलता है। बताए थे ना कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लवकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषता ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक था कि चट्टानों को पर्वतों को काट कर बनाया जाता है, देखिए देखिए हम प्रारंभ में ही बता चुके थे इसको, ठीक। अब आइए, अब पल्लव की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र कांची था, आपको बता ही चुके थे इनकी राजधानी कहाँ थी, कांची थी, इसलिए कांची के पल्लव कहे जाते थे, ठीक। मूल निवास स्थान का पता नहीं चला, बल्कि उनका मूल निवास स्थान तुंड मंडलन था, जो कभी नहीं पूछा है, बहुत मतलब का नहीं है, बस आप एक चीज़ याद रखें किसको, कांची को, क्योंकि कांची कई बार पूछा हुआ है, कांची के पल्लव थे, आप एक ही साथ याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, कांची के पल्लव, ठीक, कांची के पल्लव, एलोरा के राष्ट्रकूट, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पल्लव वंश के प्रथम शासक सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवराह, बताए थे ना गुहा मंदिर के निर्माण करते हैं, ये जो क्या थे प्रारंभ में वैष्णव थे। अब वराह, जो वराह जो अवतार है, वराह अवतार है, समझ गए, आदिवराह मतलब क्या विष्णु के हैं, ठीक, इसीलिए वैष्णव थे, अलवार थे, बाद में नयनार होते हैं यानी क्षय होते हैं। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जात सबसे शक्तिशाली राजा था, रथ मंदिर वाला है वही है नरसिंह वर्मन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में परास्त किया और उसकी पीठ पर विजय शब्द अंकित करवाया, ध्यान दीजिएगा वो पुलकेशिन द्वितीय जो समझिए कि हर्ष को हरा देते हैं और यहाँ पर आकर नरसिंह वर्मन प्रथम से 3 बार पराजित होते हैं, ठीक, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, यानी कि समझिए कि ये समकालीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अब ध्यान दीजिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की एक बंदरगाह महाबलीपुरम में की स्थापना करते हैं, जो कांची के नज़दीक था, ठीक, तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, तमिलनाडु स्पेशली तमिलनाडु मानिए,
ठीक, कांची में एकेश्वर मंदिर का निर्माण राजसिंह शैली की नरसिंह वर्मन द्वितीय वाला बताया ही आपको। एकास्मक मंदिर में जैसे कैलाश का मंदिर, कैलाश कांची के कैलाश का मंदिर होता है, शोर का मंदिर होता है, इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय कराए थे। पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग परास्त कर राजधानी पर अधिकार कर लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि ये दंती दुर्ग जो होता है ये राष्ट्रकूट शासक होता है जो दशावतार, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करता है। दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट शासक है, ठीक, राष्ट्रकूट शासक है। अब ये क्या करते हैं, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अब पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट के वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं। कौन? दंती वर्मन और दंती दुर्ग को यह माना जाता है कि हिरण गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, हिरण गर्भ की पूजा करते थे ये माना जाता है। अब देखिए राष्ट्रकूट थे कौन? दंती दुर्ग। अब ये क्या करते हैं कि एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करते हैं दंती दुर्ग, और इनकी राजधानी पर वो कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, पल्लव शासक दंती वर्मन ने मद्रास में पार्श्व सारथी मंदिर का निर्माण कराया, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन इसकी अंतिम शासक कौन है वो जरूर याद रखिएगा, अपराजित, ठीक, और संस्थापक क्या है, सिंह विष्णु हैं। लेकिन ये दोनों के साथ साथ आप बस मात्र दो राजाओं का नाम याद रखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो दोनों स्थापत, मात्र आप तीन स्थापत्य कला इसमें याद रखिए। द्रविड़ शैली तो बता चुके, पहला रथ मंदिर महाबलीपुरम वाला, जो सात मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर एक मंदिर ये हो गया, और जानशोर का मंदिर नरसिंह द्वितीय, और कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह द्वितीय। बस यही तीन आप याद रखिए। आप समझिए बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा जो क्वेश्चन आता है मात्र यहीं से आता है, ठीक। अब समझिए कि अब पल्लव काल समाप्त हो गई। अब देखिए जो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, ये जो तीन या चार टॉपिक है एक ही क्लास में समाप्त होगी। अब आज के लिए यहीं, थैंक यू।